दोस्तों, मैं अक्सर सुनता था कि किसी भी आदमी का जब कोई रिश्तेदार, सगा संबंधी या कोई भी परिचित जब किसी अच्छे पद पर आ जाए तो वो अपने साथियों का बहुत ज़्यादा फायदा कराता है। और कितना भी चीज़ों का किल्लत क्यों ना हो, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को उसका भरपूर सप्लाई करता है। इस बार अजीब मामला तब आ गया है कि इस बार सरकार भी उन्हीं रिश्तेदारों की तरह काम कर रही है, उन्हीं साथियों की तरह काम कर रही है कि इस भीषण कोरोना नाम की विपत्ति के समय सरकार को जब सबको मदद करनी चाहिए तो सरकार सबको छोड़कर केवल अपने खास लोगों को ही मदद पहुंचा रहा है, अपने खास लोगों को रेवड़ी बांट रहा है और बाकी लोग खाने पीने के लिए भी तरस रहे हैं। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि सरकार ऐसा क्या कर रही है, किस लोगों को फायदा पहुंचा रही है? तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोग बता दूं कि केंद्र सरकार अपने कर्मियों, जैसे रेलवे हो गए, डाक हो गए, सुरक्षा कर्मी हो गए और बहुत सारे जो कर्मी हैं, उनको 3,773 करोड़ रुपए का बोनस देगी। अब आप कहेंगे कि तो अच्छी बात है, बोनस मिलना चाहिए, त्यौहार का टाइम है, खुशी होना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो अच्छी बात है कि किसी को बोनस मिल रहा है और त्यौहार का टाइम है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, मिलना चाहिए। लेकिन अब समस्या ये आ गई है कि कोरोना महामारी के कारण 25 मार्च से ही देश के काम धंधे बंद हैं और जो खुल भी रहे हैं ना, वो बस फॉर्मेलिटी के लिए खुल रहे हैं, क्योंकि खुल तो रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग अपना काम नहीं कर पाए हैं, बहुत सारी चीज़ें ठप पड़ गई है, लोगों की जेब में पैसे नहीं है और लोग अपने पैसे जल्दी निकालना नहीं चाह रहे हैं, तो इसलिए उनका जो काम धंधा जो चल भी रहा है ना, तो बहुत एकदम घिसट घिसट के चल रहा है। और चूंकि शुरू में तो 2 से 3 महीने लगातार बंद थे और उन लोग अपने काम धंधे को केवल अपने लिए बंद नहीं किए थे, उन लोग अपने काम धंधे को देश के लिए बंद किए थे। अब चूंकि वो सरकार के कहने पर अपने काम धंधे को बंद किए, तो इसलिए उनको जो भी नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। लेकिन क्षतिपूर्ति तो दूर, उनके नाम पर सरकार सूद भी नहीं लेती। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सरकार इस कोरोना महामारी के समय बहुत सारे ऐसे कर्मचारी थे जिनको रोस्टर में बुलाया गया, एक दिन गैप करके बुलाया गया, और कई कई लोग को 2-2 दिन गैप करके, कई कई लोग को 3 दिन में 1 दिन बुलाया गया, लेकिन उसके बीच भी उन लोगों को पेमेंट पूरा दिया गया। मतलब ये मान लिया गया कि आपके काम धंधे जरूर बंद है लेकिन आपकी जरूरतें खत्म नहीं हुई है, इसलिए आपको पेमेंट मिलना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर को तो बड़े बेरहमी से 1-2 महीने के लिए शुरू में तो सभी धंधों को बंद करा के रखा गया। और कई कई धंधे तो ऐसे हैं जो आज तक बंद हैं, जैसे कोचिंग हो गए, सिनेमा हो गए और भी बहुत सारे धंधे हैं जो अभी तक खोला ही नहीं गया, वो 7 महीने से वो बंद है, उनकी कोई सूद ही नहीं ले रहा है, जबकि वो बंद करके केवल अपने लिए नहीं रखे हैं, उनके बंद करने से पूरे देश को भला हो रहा है। तो भैया 6-7 महीने से इन्हें भी तो सरकार को पेमेंट देना चाहिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी केवल गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी है और सरकार को टैक्स प्राइवेट सेक्टर भी देती है। और सरकार का ये कोई अधिकार नहीं बनता कि लोगों के काम धंधे को बंद भी करवा दे और उनकी क्षतिपूर्ति भी ना दे। और अगर सरकार को लगता है कि ऐसा करने से देश पे आर्थिक बोझ बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था पर खराब असर पड़ेगा, तो फिर मैं सरकार को कहता हूँ कि आपको सरकारी कर्मचारियों को ही पेमेंट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आपके लिए दोनों समान है, प्राइवेट सेक्टर भी, गवर्नमेंट सेक्टर भी। और इस मुद्दे को मैंने कई बार अपने वीडियो में उठाया है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो भी बंद है वो शौक से बंद नहीं है, वो आपके कहने पर बंद है, वो देश के लिए बंद है, इसलिए उन्हें भी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा थोड़ा भी नहीं सोचा। केंद्र सरकार के अपने कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी है उनको तो भरपूर पेमेंट दिया, 1 रुपए की भी दिक्कत नहीं आने दिया, और प्राइवेट कर्मचारियों को पूरा बंद कर दिया। भूखे मर रहे हो कि उधारी ले रहे हो, कि गहने बेच रहे हो, कि घर बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई सूद नहीं। हाँ, कुछ बुद्धिजीवी ये बात जरूर बोलते हैं कि सरकार 20 लाख करोड़ की घोषणा तो की, तो मैं कहता हूँ भाई, वो 20 लाख करोड़ में बहुत सारे फॉर्मेलिटीज हैं, वो 20 लाख करोड़ में इतने फॉर्मेलिटीज है कि मैं तो भैया प्रत्यक्ष तौर पर कोई ऐसे व्यापारी को नहीं देखा हूँ जिसको 20 लाख करोड़ का लाभ पहुंचा हो, और वो पता ना कब पहुंचेगा। और वो 20 लाख करोड़ का जब लाभ पहुंचेगा तो ज्यादातर बड़े उद्योगपति को पहुंचेगा, और उस लाभ से देश का विकास होगा, और जब देश का विकास होगा तो प्राइवेट सेक्टर भी उसका उपयोग करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर भी यूज करेगा, तो उसमें भाई प्राइवेट सेक्टर को क्या मिला? प्राइवेट सेक्टर जो अपना लॉस झेला है वहां उसकी पूर्ति कैसे हुई? और प्राइवेट सेक्टर वाले के जख्मों पर नमक तब छिड़का गया बहुत बुरी तरह से जब सरकार ने घोषणा कर दी कि हम सरकारी कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस देंगे। 3,773 करोड़ के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करोगे तो आप देखोगे कि हर केंद्रीय कर्मचारी को 17-17 हजार बोनस मिलेगा, मतलब 30,000, 35,000, 50,000, 60,000 पेमेंट तो मिल ही रहा है, वो कमी नहीं हुआ है,
और देश की जनता जो दुकान बंद करके रखा है वो 100 रुपए के लिए 200 रुपए के लिए उधारी मंग मंग के काम चला रहा है, 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए। और कोचिंग वाले तो बेचारे वो तो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना के रो रहे हैं, और प्लस कोई कोई कोचिंग वाले तो बेचारे वीडियो बना के लिख रहे हैं कि बंदी तक मुझे पैसे कुछ डाल दीजिए खाते मेरे, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए। कोई टीचर आदमी ऐसा लिखेगा? टीचर आदमी इस तरह का काम करेगा? बेचारा नहीं करेगा, लेकिन उसको पता है अगर ये नहीं करूंगा तो मैं भूखे मर जाऊंगा। तो वो अपने मान सम्मान को खोकर बेचारा लिखने को मजबूर है, सरकार को उसकी ओर ध्यान नहीं जा रही है। और अगर वही कोचिंग वाला बेचारा अगर कोचिंग खोल दे तो सरकार आके छापा मार देता है, पैसे ला कर दो, और नहीं दोगे तो बेचारा अपना फर्नीचर बेच के पैसे देता है। तो मैं कह रहा हूं कि सरकारी कर्मचारियों को पूरा लगातार पेमेंट भी दिया गया और उसके ऊपर अब त्योहार के पहले 70,000 का बोनस भी दिया गया। मतलब सरकार के नजर में जो भी व्यक्ति जीवित है, जिसकी भी जीने की जरूरत है, जीने का अधिकार है, केवल सरकारी कर्मचारियों को अधिकार है। अच्छा जीवन का अधिकार, अच्छी शिक्षा का अधिकार, टेंशन फ्री जीवन का अधिकार केवल सरकारी कर्मियों का अधिकार है, प्राइवेट कर्मियों का कोई अधिकार नहीं। प्राइवेट कर्मियों जैसे तुम्हें एडजस्ट करना है करो, बस प्राइवेट कर्मचारियों से मतलब सरकार का इतना बन गया है कि बस तुम टैक्स टाइम पर दे दो, टैक्स उस हिलने भर तक का अधिकार है। मतलब टैक्स लेना है तो प्राइवेट और सरकारी दोनों से बराबर, लेकिन जब सुविधा देनी है और मदद देना है और क्षतिपूर्ति देना है तब केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। 20 लाख करोड़ जो उद्योग धंधे के लिए सरकार द्वारा जो दिया गया है वो तो इतनी फॉर्मेलिटी में दबा है कि एक आम कामकर्ता को, एक आम मजदूर को, या एक आम दुकानदार को, या आम बिजनेसमैन को भी उसके तक लाभ नहीं पहुंच पाएगा, इतनी फॉर्मेलिटी में दबा हुआ है। क्यों नहीं आप डायरेक्ट ट्रांसफर करते? हमारे देश में 40 करोड़ के आसपास परिवार है, अगर आप हर परिवार को 10,000 महीने के हिसाब से भी ट्रांसफर कर, देखिए हर परिवार को 10,000 महीना बोल रहा हूँ मैं, केंद्रीय या सरकारी कर्मचारी की तरह 30,000 50,000 60,000 नहीं, जो काम नहीं भी किए छुट्टी मारे तो भी उनको पैसा मिला गया। मैं केवल हर परिवार को 10,000 देने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति भी अपना कोई भी दुकान या कोई भी धंधा आपके लिए बंद किया है, आपके कहने पर बंद किया है, शौक से बंद नहीं किया है। 10,000 भी अगर देते ना तो आपका 4 लाख करोड़ में पूरा का पूरा काम बन जाता। लेकिन नहीं, जब प्राइवेट सेक्टर को जब सरकार को कुछ देना है ना तो वो सीधे सीधे एक मुश्त निकलेगा, और सब फॉर्म भरो फॉर्मेलिटीज करो तब निकलेगा, उसमें कितना घोटाला हुआ तो सेकेंडरी चीज है। लेकिन जब सरकारी सेक्टर वाले को जब दिया गया बोनस तो डायरेक्ट उनके खाते में पहुंच गया। अब चूंकि पूरा मैनेजमेंट सरकार के हाथ में मिल गया है, पूरा का पूरा देख रेख सरकार को करना, तो सरकार अपने आदमियों को पीछे से मदद दे दी। तो मैं कैसे ना करूं कि सरकार अपने लोगों को ही बस मदद पहुंचा रही है, इसमें अपने लोगों को मलाई बांट रही है, पूरी की पूरी मलाई अपने लोगों को दे रही है, खुद रख रही है, और आम जनता को ऐसी सड़क पर छोड़ दे रही है, आम जनता को पैदल चलने के लिए छोड़ दे रही है। अभी बिहार के चुनाव में सरकार बिहार के लिए घोषणा पर घोषणा की है, उसमें बिहार की आम जनता को डायरेक्ट क्या मिलेगा? सरकार को जब जनता की उतनी ही परवाह थी ना, तो उस वक्त लोगों के रोजगार धंधे छिन गए थे और लोग पैदल चल चल के अपने जगह में पहुंच रहे थे, उस टाइम क्यों नहीं रेलगाड़ी का भाड़ा केंद्र सरकार दे दी? सरकार को जनता की उतनी ही परवाह होती ना तो अभी जिस टाइम लॉकडाउन में लोग पैदल चलने को मजबूर थे, लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे, सिस्टमेटिक तरीके से रेलगाड़ी चला कर उनके भाड़े ही दे जाती। लेकिन नहीं, उस वक्त केंद्र सरकार कह रही कि हम इतना देंगे, राज्य बोल रही हम इतना देंगे, फिर केंद्र बोलती हम नहीं देंगे, राज्य बोलती हम नहीं देंगे। तो वहां पर एक प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले के साथ ये दुर्दशा। दोस्तों अगर ये पूरी बातों का विश्लेषण किया जाए तो ये बात कैसे ना मैं कहूँ कि सरकार अपने लोगों को ही मलाई बांट रही है। सरकार इस भूखमरी के समय सबको मदद करने के बजाय अपने लोगों को पीछे की खिड़की से मदद पहुंचा रही है। दोस्तों हम सब लोग को मिलजुल कर प्राइवेट सेक्टर को वैसी ही क्षतिपूर्ति दिलाना है जितना सरकारी सेक्टर को क्षतिपूर्ति मिलती है, और इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। और हमें सरकार को ये बताना है कि अगर आप टैक्स प्राइवेट सेक्टर से भी लेते हो, गवर्नमेंट सेक्टर से भी लेते हो, तो आपको दोनों को बराबर देखना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो इस बात पर चर्चा आगे बढ़ाएं। आप लोग खुद से ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाएं, खुद से बहुत सारी ऐसी चीजें बनाएं कि प्राइवेट सेक्टर को भी सरकारी सेक्टर की तरह मान सम्मान और पैसे मिलने चाहिए, क्षतिपूर्ति मिलने चाहिए। और अगर आपके पास समय नहीं है इस टाइप की कोई वीडियो बनाने का या कुछ करने का, तो प्लीज़ आप इस चैनल को ही आगे शेयर करें। ये बात सब लोगों तक पहुँचनी चाहिए, और अब हम सारी देश की जनता को एक रूप में उठ के खड़ा होकर कहना है कि हमें भी क्षतिपूर्ति चाहिए, और जो क्षतिपूर्ति चाहिए ना वो सीधे खाता टू खाता ट्रांसफर चाहिए, ठीक वैसे जैसे आप अपने कर्मचारियों को सीधे जो भी फायदा होता है ना सीधे उनके खाते में भेजते हो।
क्योंकि अब सरकार की ये भेदभाव नहीं चलने देंगे कि उनके हाथ में मैनेजमेंट है तो अपने कर्मचारियों को दे देंगे और प्राइवेट को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी विचारों के साथ।